सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मलिक हजार आठ श्री आदिनाथ भगवान की बोले भूगर्भ से प्रकट श्री मणि सुव्रतनाथ भगवान की बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की बोले जिनवाणी माता की परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज जी की परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा चल रही है परस्पर ग्रहो जीवानाम। क्या चर्चा चल रही है? परस्पर ग्रहो जीवानाम। परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना जीव द्रव्य का कार्य है। मैं एक जीव दूसरे जीव का उपकार करिए, ये जीव द्रव्य का कार्य है। जब भगवान महावीर ने दीक्षा ली तो सारे घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और दीक्षा ले ली, जंगल में रहने लगे। तो जब भगवान जंगल में रह रहे थे तो क्या उनके द्वारा दूसरों पर उपकार हो रहा था या नहीं हो रहा था? वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे किसी के लिए, ना किसी को प्रवचन दे रहे, ना किसी के पैर दबा रहे, ना किसी को आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। फिर कैसे हो सकता है? वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कम से कम आपको इतना ज्ञान तो है कि कम से कम जो कर भला, जो खुद का भला करता है तो दूसरों का भला अपने आप हो जाता है। यानी भगवान महावीर ने दीक्षा ली, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने त्याग किया और वो ध्यान में खड़े हैं। वो खुद का भला तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अपने आप दूसरों का भला हो रहा है। आज भगवान महावीर नहीं है फिर भी हमारा भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आप लोग भले काम करते हो कि नहीं करते हो? हैं? अरे बोलिए ना, कितना भला करते हो, किसका भला करते हो? यानी सबसे पहली बात समझ लो कि खुद का भला करने में दूसरों का भला अपने आप हो जाता है। हम दूसरों के भले के काम करते हैं, वो बुरा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप भले के लिए करो और भला ही हो, जरूरी है क्या? अच्छा, बहुत लोगों की इच्छा होती है चलो किसी किसी की शादी करवा दो, बहुत भला काम है। करते ना बहुत से लोग गृहस्थी में, तो बहुत लोग करते हैं। हाँ भाई, उसका लड़का उसकी लड़की, उसका उसको करवा दिया, उसकी बात उससे करवा दी, खूब मेहनत करते हैं और शादी करवा देते हैं। तो जरूरी है कि आपको तारीफ मिले? ये गारंटी है कि जो शादी आपने करवाई है उसका भले का भला मिलेगा आपको? ये गारंटी है क्या? नहीं है। यानी उसका उल्टा भी हो सकता है। यानी यदि लड़के लड़की का ब्याह हो गया और वो अच्छे से रह रहे हैं तो आपको धन्यवाद देने कोई नहीं आएगा, ठीक है? और यदि कुछ मामला गड़बड़ हो गया, उनने करवाई थी, पकड़ो उनको, उनने करवाई थी, करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलिए ना, हैं? पकड़ेंगे। अब तुम करवाओ, तुम नहीं करवाई थी शादी। बुरा होगा तो एक मिनट में पकड़ लेंगे और ठीक निकल जाएगा तो कोई धन्यवाद देने भी नहीं आएगा। तो ये संसार के काम हैं। आप भले के लिए करते हो, जरूरी नहीं कि भला हो। आपने आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पैसे भी लिए, आपको ठीक भी किया। अब जरूरी नहीं कि वो आपको ठीक ही कर दे, गारंटी है क्या? अरे बोलिए ना, डॉक्टर आपको जो दवाई दे रहा है ये गारंटी है कि आप ठीक हो जाएंगे? नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। दवाई रिएक्शन भी कर सकती है, दवाई नहीं भी लग सकती है। डॉक्टर बीमारी पकड़ पाए ना पकड़ पाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो दूसरों का भला करने में हमारा भला हो या ना हो, ये बात की बात है।
लेकिन खुद का भला करने में दूसरे का भला तो हो ही जाता है, होता कि नहीं होता। यदि घर में एक व्यक्ति धर्मात्मा हो तो सारे घर वालों के भाव अच्छे रहते कि नहीं रहते हैं? अरे उसको कुछ मत कहना, आज उसका उपवास है, अरे आज उससे कुछ मत बोलना, आज वो 2 घंटे पूजा करके आई थक गई होगी, अरे उसको ऐसा मत। अपने आप मन में वो, उसने आपसे कुछ भी नहीं कहा है, केवल उसने अपने आप ही खुद के लिए धर्म किया है, लेकिन जितने लोग उसके संपर्क में हैं उन सब के भाव अच्छे हो जाते हैं। और घर में एक कलेशी जीव हो तो सबके भाव कलेश के हो जाते हैं, घर में एक पुण्य आत्मा हो तो सबके भाव अच्छे हो जाते हैं। तो धर्म किया जाता है खुद के लिए। अब दीक्षा ली जाती, साधु बने, दीक्षा ली किसके लिए? दीक्षा ली आपके लिए दीक्षा ली या खुद के लिए दीक्षा ली? खुद के लिए दीक्षा ली। किसके लिए ली? खुद के लिए ली। वो भला कितने लोगों का हो रहा है? कितने लोग सदमार्ग पर लग रहे हैं? कितने लोग त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं? कितने लोग दीक्षाएं ले रहे हैं उन्हें देख करके? एक सड़क से भी जाते ना जब पैदल चल के, तो जैन हो या नॉन जैन, यदि कोई यदि काम करने जा रहा है, किसी काम से जा रहा है और किसी संत के साधु के दर्शन हो जाए, बोले बस हो गया हमारा मंगल काम, शुभ चीज दिख गई है, साधु संत महाराज दिख गए हैं, अब हमारा काम तो हो ही जाएगा। एक बार तो मैं आहार करके लौट रही थी और बोट चल रहे थे, बोटिंग चल रही थी उस समय पर, एक नेताजी अपने जहाँ बोट पड़ रहे थे वहाँ बैठे हुए थे, और उनने जैसे ही देखा कि माताजी आ रही हैं, फटाफट खड़े होके आए, बदनामी करी, आशीर्वाद लिया, बोले अब चिंता नहीं, अब तो मैं ही जीतूंगा। यानी कि साधु ने कुछ नहीं किया है, केवल साधु को देख लिया है, इसमें भी भला हो गया। एक बार की बात है, काल्पनिक कहानी है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया, बोले एक काम है, जरा एक काम कर दो। अरे आपका काम कौन नहीं करेगा, मैं तो सदा तैयार हूँ आपका काम करने। बोले नरक में चले जाओ और उस नारकी को दर्शन दे आओ। नारद जी नरक में गए, उस नारकी के पास गए, जैसे ही नारकी ने नारद जी को देखा वो नारकी मर गया। लौट के आके चलो इत्तेफाक होगा। कुछ दिनों के बाद फिर ब्रह्मा जी ने बुलाया, बोले एक काम करो, उस पेड़ पर एक तोते ने जन्म लिया है, जरा उसे दर्शन दे आओ। नारद जी चले गए, तोते के पास गए, जैसे तोते ने नारद जी को देखा मर गया। ओहो ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। अब कुछ दिनों के बाद फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया, बोले एक किसान के घर में बछड़े का जन्म हुआ है, उसे दर्शन दे आओ। नहीं भगवान, आपने 2 बार भेजा, वो दोनों मर गए, नहीं जाऊंगा मैं। अरे नहीं चले जाओ। चले गए, जैसे ही उस बछड़े ने नारद जी को देखा वो बछड़ा मर गया। फिर एक आध साल बाद, 10 महीने बाद फिर नारद जी को बुलाया ब्रह्मा जी ने, बोले जाओ वो राजा के यहाँ एक राजकुमार ने जन्म लिया है, उसे दर्शन दे आओ। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यहाँ तो मैं बच गया, यदि राजा के यहाँ उसका पुत्र मर गया तो लोग मुझे पीटेंगे पकड़ के, वो मुझे छोड़ने वाले नहीं है, नहीं जाऊंगा मैं, आप मेरे से ऐसा काम मत करवाओ। बोले मैं कह रहा हूँ ये आखिरी बार जाना है आपको, इसके बाद नहीं भेजूंगा। बड़ी मुश्किल से नारद जी डरते 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 उस कमरे तक पहुँचे जहाँ वो बालक ने जन्म लिया था। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, बालक तो बोल पड़ा, अरे नारद जी आप यहाँ भी? बोले यहाँ भी का क्या मतलब होता है? बोले जब आपने मुझे नरक में था, जब आपने दर्शन दिए तो मेरी नरक से मुक्ति हो गई आपके दर्शन के प्रभाव से। फिर बोले फिर आपने मुझे तोते की पर्याय में दर्शन दिए तो मेरी उस पर्याय से मुक्ति हो गई। फिर आपने मुझे बछड़े की पर्याय में दर्शन दिए तो मेरी उस पर्याय से, उस शरीर से भी मुक्ति हो गई, और आपके दर्शन के प्रभाव से आज मैं इस राजा के यहाँ बेटा बन के पैदा हुआ।
संत कुछ ना भी करे ना तो भी उपकार हो रहा है। संत यदि सामायिक में भी बैठा है, ध्यान भी कर रहा है, तो भी उपकार हो रहा है। संत यदि बोल रहा है तो भी उपकार हो रहा है। संत यदि पढ़ रहा है तो भी उपकार हो रहा है। संत यदि लिख रहा है तो भी उपकार हो रहा है। नहीं भी बोल रहा है तो भी उपकार हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दीक्षा किसके लिए ली? खुद के लिए। किसके लिए ली? खुद के लिए। और उपकार किसका हो रहा है? जितना तुम अपने घर वालों का उपकार करते हो, साधु बनने के बाद उतना उपकार होते ही उससे ज्यादा भी हो जाता है। तुम कितनों पर उपकार करते, घर में रहते हो तो घर वालों का भला कर दोगे, थोड़ा और ज्यादा होगा तो थोड़ा पड़ोसियों की हेल्प कर दोगे, थोड़ा और भला करोगे तो रिश्तेदारों की हेल्प कर दोगे। अब मंत्री संतरी बन जाओ तो थोड़ा सा और थोड़ा बहुत काम हो सकता है, लेकिन जितना काम भले का काम संत कर सकते हैं उतना कौन और कर सकता है? भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं है कि भगवान आज नहीं भी हैं तो भी हमारा उपकार कर रहे हैं। तीनों कालों में, तीनों लोकों में है, कहते ना कि तीन काल के तीर्थंकरा, तीन काल के सिद्ध। तीन, हम एक काल नहीं, तीनों काल के मानते हैं। भूतकाल जितने हो चुके, वर्तमान काल जितने हो रहे हैं, और भविष्य काल जितने आगे होंगे, सबको मेरा नमस्कार है। जो अभी साधु बने नहीं है मगर बनने वाले हैं, हमने उनको भी नमस्कार कर लिया। कितना विशाल है जैन धर्म। जो शेर की पर्याय में बैठा है, जो आत्मा शेर की पर्याय में बैठी है, उसे पहले ही नमस्कार कर लिया। शेर को नमस्कार नहीं किया, किसको नमस्कार किया? आत्मा को नमस्कार किया। क्यों किया? आने वाले समय में ये आत्मा तीर्थंकर बनेगी। हम कहते ना कि तीनों काल के तीर्थंकर को अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? आने वाले समय में राजा श्रेणी प्रथम तीर्थंकर होंगे, ठीक है? आप वो अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते। वो आज कहाँ पर है? कहाँ है आज वो? आपको पता है वो कहाँ है? और फिर भी हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ा रहे हैं? कि भविष्य में वो परमाणु बन चुके हैं, जब वो तीर्थंकर बनेंगे तो उपकार। हम सबके भले के लिए अपना बुरा कर लेते हैं, करते कि नहीं करते? भाई बच्चों के लिए कमा के रख जाओ, इतनी कमाई करो कि दान मत दो, चाहे दान कम कर लो मगर बच्चों के लिए बचा के रख जाओ। बच्चों को जरूरत है क्या है? वो एक दो लाइनें आती हैं, पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र है तो तुमने जो कमाया है वो सब मिटा देगा, और पुत्र सुपुत्र है तो तुमने, तुम्हारी जरूरत ही नहीं उसको, वो खुद ही कमा लेगा। तुमने जो इकट्ठा किया है उसका उपयोग करो, भले के काम के लिए करो। लेकिन नहीं, मोह इतना रहता है अपने बेटे के लिए, बेटे की बेटे के नाम की एफडी करवा देते हैं, और हो जाए पैदा तो उसके नाम की एफडी करवा देते हैं, मगर अपनी एफडी नहीं करवाते यहाँ दान की। यहाँ कंजूसी कर लेते हैं, अपनी एफडी खत्म करके औरों की एफडी में लगे रहते हैं। धन कमाया, पाप हुआ कि नहीं हुआ? बिना पाप कमाए धन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो आपने पाप कमा के धन इकट्ठा किया बच्चों के लिए, पोतों के लिए, अपना बुरा हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। अपना बुरा करके संसारी प्राणी, मोही प्राणी अपना बुरा करता है और दूसरों का भला करता है, और ज्ञानी जीव खुद का भला करता है तो दूसरों का भला अपने आप हो जाता है। इतना भला करने के बाद भी वो बच्चे डंडे मारते हैं। मारते कि नहीं मारते हैं? डंडे का मतलब डांटते हैं, नहीं करते जो सम्मान उन्हें करना चाहिए तो भी नहीं करते हैं। और यहाँ तुमने कुछ नहीं किया, खुद का भला किया है, फिर भी लोग हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते महाराज। करते कि नहीं करते हैं? वो क्या कर रहे हैं? अपनी माला फेर रहे बैठ के, नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म। भगवान ने क्या किया है? भगवान ने यही किया है, अपना ध्यान किया, आत्मा का ध्यान किया, तो खुद का भला हुआ तो औरों का भला अपने आप हो गया। दूसरे की भले की बात बाद में सोचना, पहले खुद के भले की सोचो।
दूसरे के उपकार करने की बात में सोचना, पहले खुद के उपकार की सोचो कि तुम खुद का कितना उपकार कर रहे हो। जो खुद का सोच लेता है दूसरों का अपने आप हो जाता है, और जो सारे दिन केवल दूसरे दूसरे के लिए सोचता है उसका बुरा हो जाता है। नहीं, ये नहीं कह रही कि दूसरों का भला मत करो। आप जिस वेश में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, आपका जो कर्तव्य है आप जरूर कीजिए। आप बस में जा रहे हैं, वहाँ किसी को जरूरत है आप सेवा कीजिए। ट्रेन में जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, जरूरत है सेवा कीजिए, बहुत जरूरी है, इसके बिना भी काम नहीं है। लेकिन यदि जब खुद के भले की बात आ जाए तो पहले वो करना। उत्तमा स्वात्म चिंता चा, देह चिंता चा मध्यमा, अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमा धमा। दूसरे की चिंता अधम से अधम काम है, और उत्तमा स्वात्म चिंता चा, खुद के आत्मा की चिंता करना सर्वप्रथम कर्तव्य है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी पर्याय। मेरी बात आपकी समझ में? बोलो ना, आ गई? ओहो, गई? आप ही ने तो कहा आ गई। हैं? हाँ, ऐसा ना हो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कहीं खुद का बुरा हो जाए और दूसरों का भला करने में, है ना? तो खुद की चिंता करना अति अति आवश्यक है। जिसने स्वयं के आत्मा की चिंता कर ली उसका ये भव भी सफल हो गया और उसका अगला जन्म भी सफल हो गया। तो महाराज जी आए हुए हैं, अभी हम महाराज जी को भी सुनेंगे। महत्व रहने दूँ, सुना दूँ? सुना दी? आहा, कहना वही सुनने तो बैठे हैं। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ से आए हैं? गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। अच्छा, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। अमरवासी, राजा की दासी का, हैं? राजा की दासी का, और होने में प्रवासी का, और आने वालों में अमरवासी का। करने में भला का, गाने में गला का, और आने वालों में मेहरू कला का। हो गए सारे? जयपुर से आए। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। नारियल में गिरी का, नारियल में गिरी का, सामान मिलने में फ्री का, और यहाँ पर आने में आचार्य श्री का। बोलिए चौबीसों भगवान की। प्रिय आत्मन, तीर्थ हमारी संस्कृति के जीवंत प्राण तत्व हैं। तीर्थों से हम हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा समाज जुटता है। जैसे समुद्र में आकर के नदियां मिला करती हैं, वैसे ही तीर्थों पर आकर के समाज मिला करता है। एक समुद्र में विभिन्न देशों, विभिन्न दिशाओं से आकर के नदियां मिल जाया करती हैं और वे उसमें समाहित हो जाती हैं। उसी तरह से तीर्थ पर आकर के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न वर्गों के लोग आकर के यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं। जिस तरह से दूध में पानी मिल जाता है, जिस तरह से दूध में शक्कर आकर के मिलती है तो दूध को मीठा बना देती है, उसी तरह से तीर्थ में आकर के चेतना उस मिठास तत्व को प्राप्त कर लेती है। प्रिय बंधुओं, भ्रमण के लिए तो 343 राजू प्रमाण क्षेत्र है, कहीं भी भ्रमण किया जा सकता है। अनादि से भ्रमण करते आए और भी हो सकता है, लेकिन भ्रमण को रोकने के लिए, चतुर्गति के भ्रमण को रोकने के लिए
तीर्थों की वंदना की जाती है। तीर्थों पर की गई वंदनाएं हमारे अंदर में सम्यक की शुद्धि, दर्शन विशुद्धि, ज्ञान शुद्धि और चारित्र की शुद्धि को प्रदान करती हैं। प्रिय बंधुओं, तीर्थों पर आकर के हमारे हृदय में विशालता आती है, हृदय में उदारता आती है, चित्त में पवित्रता आती है। इसलिए आज हमारे जीवन के ये पावन कर्ता तीर्थ हैं, श्रुत तीर्थ, धर्म तीर्थ, श्रुत तीर्थ, धर्म तीर्थ, चारित्र तीर्थ के रूप में तो भाव तीर्थ हुआ करते हैं। यह अचेतन तीर्थ, द्रव्य तीर्थ होते हैं, एक वे होते हैं जो तन के मैल को दूर करते हैं, लेकिन ये धर्म तीर्थ आपके मन के मैल को दूर करते हैं। और तीर्थों पर विशेषता तब आ जाती है जब द्रव्य तीर्थ पर भाव तीर्थ विराजमान हो। मंदिर अपने आप में द्रव्य तीर्थ है, लेकिन साधु भाव तीर्थ है। जिनवाणी का उपदेश होना श्रुत तीर्थ है। प्रिय बंधुओं, तीर्थंकर महावीर ने राजा ग्रही के पर्वत से दिव्य देशना देकर के धर्म तीर्थ चलाया था। उसी तरह से जिस धरती पर साधु संत विराजते हैं वहां से धर्म का तीर्थ चला करता है। अमृतचंद स्वामी ने लिखा, व्यवहार और निश्चय ने कि ज्ञाता पुरुष जहां विराजते हैं वहां से धर्म का तीर्थ प्रवर्तित होता है। और यह जहाजपुर पूरे देश के लिए धर्म का रसायन प्राप्त करे, ऐसी महामंगल कामना करते हैं। स्वस्तिमती माताजी, स्वस्ति भूषण माताजी का यह श्रम उनकी विशुद्धि की प्रतीक है, उनके सामायिक की विशुद्धि और समता भावों की परिणति का फल है। क्योंकि जब तक साधक विशुद्ध भावनाओं से अपनी सामायिक ना करे तब तक वह साथ ही पुण्य भी संचित नहीं होता है। जिस साथ ही पुण्य के बल पर ही महान कार्य सिद्ध होते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आज जहाजपुर की पावन धरती पर यह स्वस्ति धाम, स्वस्ति श्री ब्रसवोनाथ, स्वस्ति श्री अजिता, श्री ब्रसवनाथ हमारा कल्याण करें। स्वस्ति का अर्थ होता कल्याण। श्री ब्रसव हमारा स्वस्ति करें, और यहां पर तो स्वस्ति ही है। हम किसी भी प्रतिमा की प्रशस्ति लिखते हैं तो प्रतिमा की प्रशस्ति स्वस्ति से शुरू करते हैं। हम पत्र भी लिखते हैं तो स्वस्ति श्री यहां से पत्र की शुरुआत करते हैं। तो और इस तीर्थ की शुरुआत स्वस्ति श्री हुई है। तीर्थ की शुरुआत स्वस्ति श्री से हुई है, स्वस्ति भूषण से हुई है। इसलिए तीर्थ भी अपने आप में भुवन भूषणता को प्राप्त हो, ऐसी महामंगल कामना करते हैं। धन्य है ऐसे तीर्थ धाम के लिए और ऐसे माता जी के मंगल पुरुषार्थ के लिए। आपका पुरुषार्थ धन्य है, क्योंकि बरूर में जब गुणधर नंदी महाराज से मिले थे एक ही बात कही थी कि सबके हाथ की लकीरें भी भिन्न भिन्न होती हैं। किसी के हाथ में निर्माण की लकीर होती है, पुण्य होता है, उनकी वाणी में जादू होता है कि वो जिस दिशा में बात कहें और उनकी सभी मान ले। कोई व्यक्ति में लेखन की योग्यता होती है, किसी में वक्तृत्व शैली होती है, किसी में संरचनात्मक शैली होती है। और स्वस्ति भूषण माता जी में वक्तृत्व शैली भी है, बड़ा महत्व है, संरचनात्मक शैली भी है। और ऐसे विदुषी माता जी के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। माता जी, आपका यह क्षेत्र सकल विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है,
और यह आपके वात्सल्य का सशक्त प्रमाण पत्र क्षेत्र है, आपकी प्रतिभा का प्रमाण पत्र यह स्वस्ति धाम क्षेत्र है। स्वस्ति भूषण, एक लाइन लिखना, स्वस्ति भूषण माता जी की वात्सल्य का प्रमाण पत्र स्वस्ति धाम है। ओम नमः शिवाय।